बोकारो में कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो मामले 2012 में खत्म हो गए हैं, उस मामले में ईडी ने अब पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया है। पूर्व मंत्री ददई दुबे ने कहा कि देश की जनता जानती है कि भाजपा क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पूरे देश में विरोध दिवस मना रही है, भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सीबीआई ने ईडी ने खुद खत्म किया है, 2012 में ही, 2012 में ही ये मामला रफा दफा हो चुका था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें न किसी को दोष है न किसी को कुछ है, और उस इशू को आज ईडी के माध्यम से उठाया जा रहा है। और आज ही के दिन सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी के कोर्ट में बुलाया गया है। उसी के विरोध में हम लोग पूरे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और आज विरोध दिवस कांग्रेस मना रही है। यही आप समझिए कि भाजपा जो है जिस तरह से कर रही है, इसका दुरुपयोग जो हो रहा है ईडी का, इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज देश की जनता समझ रही है इस बात को।